हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे टेलीविजन न्यूज चैनल्स पर जो बॉलीवुड डिबेट्स होते हैं उसके बारे में। दोस्तों, आपने बहुत सारे बॉलीवुड डिबेट्स देखे होंगे अलग अलग टेलीविजन चैनल्स पर। इन दिनों तो बहुत सारे डिबेट्स हो रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की अनफॉर्चुनेट सुइसाइड को लेकर, एंड सारे डिबेट्स एक ही टॉपिक पर है, वो है क्या सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या वाकई में आत्महत्या थी या हत्या थी। अब आप कहेंगे हत्या क्यों, लेकिन अगर आपने ये डिबेट्स देखे हैं तो आपको पता होगा चैनल्स ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नेपोटिज्म से भरी इंडस्ट्री, उसमें सुशांत सिंह राजपूत जो कि आउटसाइडर थे उन्हें सही चांस नहीं दिया गया और इसलिए शायद उन्होंने अपनी जान ले ली। मैं बहुत सारे न्यूज चैनल्स पर इन डिबेट्स में हिस्सा ले चुका हूं और आज इन न्यूज चैनल्स का पर्दाफाश करने वाला हूं, फर्स्ट हैंड अकाउंट कैसे होता है। पहले चैनल से फोन आता है मुझे, सर आपको इस डिबेट में आना है, प्लीज आइए। अगर मैं कहता हूं हाँ तो ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि नहीं मुझे दूसरा काम है, सर प्लीज आइए ना, सर प्लीज आइए ना, सर प्लीज प्लीज प्लीज, यू स्पीक सो वेल सर, आप बहुत अच्छी बात करते हैं और बहुत अच्छे से समझाते हैं, इसलिए प्लीज आइए ना, तो आपका मन पिघल जाता है और आप कहते हैं हाँ। फिर धीरे से वो पूछते हैं, सर आपका नजरिया क्या रहेगा, नेपोटिज्म है इस इंडस्ट्री में या नहीं? तो मेरा जवाब रहता है, नेपोटिज्म, कैंपिज्म, ग्रुपिज्म जो सारे इंडस्ट्रीज में होती है, इस इंडस्ट्री में भी है, कहीं थोड़ी ज्यादा कहीं थोड़ी कम। हो सकता है इस इंडस्ट्री में 19 हो या 21 हो। कहने का मतलब है कि सारे इंडस्ट्रीज में ये चीजें होती है, किसी के हिसाब से इस इंडस्ट्री में ज्यादा है, किसी के हिसाब से कम है, लेकिन ऐसी भी नेपोटिज्म नहीं है कि और किसी को चांस नहीं मिलता है। तो वो खुश हो जाते हैं, एटलीस्ट जाहिर करते हैं कि वो मेरी बात से खुश है, सर 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 हम स्काइप कॉल पर इतने बजे कनेक्ट करेंगे। तो आप तैयार बैठते हैं, स्काइप कॉल आता है और डिबेट के दौरान आप क्या देखते हैं कि आपके अगेंस्ट 3-4-5 स्पीकर्स को इकट्ठा किया गया है जो ये चिल्ला चिल्ला कर चीख के कहते हैं कि नेपोटिज्म बहुत है इस इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं चलना चाहिए, एंड सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है। तो मेरा हर शो पर यही है कि ये भी एक गेस्टवर्क है। कौन दावे के साथ कह सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत इसीलिए अपनी जान ले बैठे, क्योंकि वो नाखुश थे, क्योंकि उन्हें लगा कि नेपोटिज्म के वो शिकार हो चुके हैं, इन द सेंस नेपोटिज्म भरी इंडस्ट्री में वो गलती से आ गए हैं और उन्हें फेयर चांस नहीं दिया जा रहा है। जैसे आप चैनल के स्टैंड को निगेट करते हैं, वो आपकी धज्जियां उड़ाना शुरू कर देते हैं। एक चैनल ने मेरे बीच सेंटेंस में ये कहा, ओके ओके कोमल जी हम ब्रेक पर जाते हैं, वापस आपसे जुड़ेंगे क्योंकि आपसे बेहतर कौन जानता है। आप सोचेंगे मैं बहुत खुश हो गया, लेकिन ये सेंटेंस सुनकर मुझे एहसास हो गया वो वापस नहीं आएंगे, एंड वही हुआ, डिबेट चलता रहा लेकिन मुझे आउट कर दिया गया। क्यों? कि मैं चैनल का जो स्टैंड था उसके खिलाफ बोलने लग गया था। दूसरे चैनल ने एग्जैक्टली यही बात की, कोमल जी आप गलत समझ रहे हैं, हमारा ये मतलब नहीं है, हमारा वो मतलब नहीं है, नहीं नहीं नहीं, एंड कट, लाइन कट। दूसरे डिबेट्स में जब लाइन कट जाती है, एक बार दो बार तीन बार फोन आते, सर आपकी लाइन कट गई, हम वापस आपको पैच करते हैं, टेक्निकल टर्म है। लेकिन इस डिबेट में मुझे वापस फोन नहीं आया। एक और चैनल ने, चैनल के होस्ट ने इस शो पर, क्योंकि मैंने हिम्मत की, जुर्रत की उस चैनल के स्टैंड के खिलाफ वाला ओपिनियन देने की, तो उस एंकर ने मुझे यह कहा, मिस्टर नाहटा डू यू अंडरस्टैंड, आप समझते हैं इसमें और इसमें बहुत फर्क है। अच्छा, इंडस्ट्री की बात आप मुझे समझाएंगे? जिस इंसान ने इंडस्ट्री में जन्म लिया है, जिस इंसान ने इंडस्ट्री को अपने 35 साल दिए हैं, दोस्तों मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस कर सकता था, मैं किसी कंपनी का CFO बन सकता था, CEO बन सकता था, लेकिन मेरा प्यार फिल्म इंडस्ट्री में था और इसलिए मैं इस इंडस्ट्री में आया। प्लस मेरे डैड का बिजनेस था जो मुझे बचपन से बहुत पसंद था, हमारी ट्रेड मैगजीन निकलती थी,
पहले निकलती थी मैगजीन, अब डिजिटल फॉर्मेट में फिल्म इंफॉर्मेशन मैगजीन है। एंड मुझे इसी बिजनेस में आना था। मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई इसलिए की क्योंकि मुझे कुछ बहुत ठोस डिग्री हासिल करनी थी। आई वॉज गुड एट माई स्टडीज। खैर वो बात अलग। तो इस शो के एंकर मुझे ये पूछते हैं कि क्या आपको पता है इसमें और इसमें बहुत अंतर है, डू यू अंडरस्टैंड, ऐसे इंसल्टिंगली बात करते हैं। और उसके बाद किसी और पैनलिस्ट से कुछ और सवाल पूछते हैं और उस पैनलिस्ट का जवाब जब आ जाता है तब मुझसे ये कहा जाता है, मतलब चैनल पर ओपनली ये कहा जाता है, दिस इज फॉर कोमल नाटा एंड पीपल लाइक हिम इफ दे केयर टू अंडरस्टैंड, इफ दे केयर टू लिसन। और वो सब किस लिए? क्योंकि मैंने हिम्मत की, क्योंकि मैंने जुर्रत की उनके स्टैंड के खिलाफ जाने की। अब मुझे समझ में आ गई ये बात कि ये सारे टेलीविजन चैनल्स, न्यूज चैनल जो है ऑलमोस्ट सारे जिन पर मैं आया हूं, उनका एजेंडा होता है, डिबेट का नाम दिया जाता है, लेकिन डिबेट के नाम पर वो सिर्फ अपनी बात आगे रखना चाहते हैं। फिर आप कहेंगे मुझ जैसे लोगों को क्यों बुलाया जाता है इन शोज पर? ऑफ कोर्स बुलाया इसलिए जाता है क्योंकि लोगों को लगे ये डिबेट है, लोगों को लगे कि ये चैनल दोनों तरफी बातें उनके सामने, पब्लिक के सामने पेश कर रहा है। लेकिन डोंट बी फूल्ड, ऐसा नहीं होता है। जो आदमी अलग स्टैंड लेता है, पहले उस आदमी से पूछा जाता है कि आपका स्टैंड क्या होगा, आप एक इनसेंस में बोल देते हैं कि मेरा तो स्टैंड ये, क्योंकि आप गेम्स नहीं खेलते हैं, और बोला जाता है वेरी गुड स्टैंड। लेकिन डिबेट में उसी आदमी को, यानी मुझ जैसे आदमी को, ऐसे इंसल्ट किया जाता है, ऐसे काटा जाता है, ऐसे बीच डिबेट से गायब कर दिया जाता है, एंड पब्लिक को यानी आप सबको ऐसे लगता है कि ये डिबेट है, दोनों साइड्स के ओपिनियंस दिए हैं एंड फिर उन्होंने कंक्लूड किया है। नहीं, डोंट बी फूल्ड, उनके कंक्लूजन्स डिबेट के पहले ही तय किए जाते हैं। जो आदमी उनके हित में यानी उनके स्टैंड के बारे में बात करता है उसे बहुत माइलेज दी जाती है। एंड मुझ जैसा इंसान, क्योंकि मैं अलग स्टैंड लेता हूं, और मैं अलग स्टैंड इसलिए लेता हूं बिकॉज आई नो द ट्रूथ, इंडस्ट्री कैसे फंक्शन करती है मुझसे बेहतर बहुत कम लोग जानते हैं, बिकॉज मैंने मेरे लाइफ के 30 साल से अधिक इस इंडस्ट्री को दिए हैं। एंड मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर मैं डरता तो मेरे रिव्यूज इतने माने नहीं जाते, इतने फॉलो नहीं किए जाते। सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दूंगा, अगर नेपोटिज्म की वजह से ही ये इंडस्ट्री चल रही है तो उदय चोपड़ा को तो आज सुपरस्टार होना चाहिए था। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म इंडस्ट्री के बिगेस्ट प्रोड्यूसर नहीं तो एटलीस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स है, फिर भी उदय चोपड़ा को वो सुपरस्टार नहीं बना सके। कहां गई नेपोटिज्म? ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं जो लोग बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी फिल्मी कनेक्शन के इस इंडस्ट्री में आए एंड चमके, आज भी चमक रहे हैं। तब नेपोटिज्म कहां गई? और थोड़ी बहुत नेपोटिज्म, थोड़ी बहुत कैंपिज्म, थोड़ी बहुत ग्रुपिज्म किस इंडस्ट्री में नहीं होती है? सो देन व्हाई ब्लेम बॉलीवुड? इस प्रकार के न्यूज चैनल्स और इस प्रकार के सो कॉल्ड डिबेट से लोगों को गुमराह किया जाता है, लोगों को डराया जाता है कि बॉलीवुड एक घिनौनी जगह है, गंदी जगह है, गटर वाली जगह है, बहुत बदतमीज लोग रहते हैं, टैलेंट की कोई कदर नहीं करता। टैलेंट की अगर कदर नहीं करता तो अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार नहीं बनाया जाता। टैलेंट की अगर कोई कदर नहीं करता तो शाहरुख खान और रैंक आउटसाइडर को सर पर नहीं चढ़ाया जाता। He had talent, he proved his talent. अक्षय कुमार, विद्या बालन, अनगिनत एग्जाम्पल्स है। जॉन अब्राहम, वो कौन से गॉडफादर्स के साथ आए थे, वो कौन सी फिल्म फैमिली को बिलोंग करते हैं, लेकिन आज भी इंडस्ट्री में टिके हुए हैं। दोस्तों एक और बात, कुछ चैनल्स क्या करते हैं, और मेरे साथ भी हुआ है, मैं बात कर रहा हूं लेकिन वो बात उन्हें पसंद नहीं आ रही है तो मेरा साउंड वो म्यूट कर देते हैं या इतना सॉफ्ट कर देते हैं, एंड जो मेरे एंटी है या उस चैनल के फेवर में है उनका साउंड एकदम बढ़ाया जाता है और वो लेडी या वो आदमी चिल्ला रहा है एंड मेरा मुंह आप देख रहे हैं लेकिन मेरी आवाज नहीं सुन पाते हैं। दीज आर द गेम्स दीज न्यूज चैनल्स प्ले, दीज आर द थिंग्स दैट आर डन। एंड मुझसे बेहतर कौन जानता है जो लास्ट दो दिनों में इतने सारे डिबेट्स में मैंने हिस्सा लिया है। एंड यस, इट्स अ वेरी टेरिबल गेम। एंड सबसे भयानक बात और सबसे दुख वाली बात यह है कि किसी के सुइसाइड को लेकर आप अपने टीआरपीज बढ़ाने के लिए ऐसी घिनौनी गेम्स खेलते हैं
और आप बॉलीवुड को गालियां दे रहे हैं, अपने गिरेबान में झांके देखिए, आप बुरे हैं या बॉलीवुड। सुशांत सिंह राजपूत का सुइसाइड बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन सुशांत सिंह की मौत के बाद उस सुइसाइड का ब्लेम इंडस्ट्री के कुछ लोगों पर डालना ये बहुत ही गलत बात है। एंड दुख की बात यह है कि इन न्यूज चैनल्स को बढ़ावा दे रहे हैं इंडस्ट्री के ही लोग, चंद लोग हैं इंडस्ट्री में जो ऐसी बातें फैलाते हैं उनके ट्वीट्स द्वारा, उनके वीडियोस द्वारा। उनके नाम लेने की जरूरत नहीं, आपने भी ऐसे ट्वीट्स और ऐसे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन हर इंडस्ट्री में, हर फैमिली में हर टाइप के लोग होते हैं। इस इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री का एहसान मानते हैं जिस इंडस्ट्री ने उन्हें बनाया है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इंडस्ट्री से बन तो गए हैं, जिनकी पहचान फिल्म इंडस्ट्री की वजह से है, लेकिन वो इतने एहसान फरामोश हैं कि वो इंडस्ट्री को ही कोसते हैं। ऐसे लोगों की आप बात सुनेंगे, ऐसे टेलीविजन चैनल्स के डिबेट्स को आप देखकर अपना ओपिनियन फॉर्म करेंगे, या फिर सोच विचार के आप ये तय करेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ है। दोस्तों मैं आप पर छोड़ता हूं, कैसा लगा हमारा ये वीडियो जहां पर हमने न्यूज चैनल्स के बॉलीवुड डिबेट्स का पर्दाफाश किया है? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, और जैसा मैं इन दिनों हमेशा कहता हूं, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट, एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड।